शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। ये रसाल कितनी खुशी और कितनी आस्था के साथ पूजा कर रही है। पढ़ी से क्या पता कि इसका सुहाग और इसकी लाडली बहन स्वर्गवासी हो। मासा, हमारे जीवन का काटा निकाल फेंकने में हमारे दिल को जो सुकून मिले ना, मैं आपको बयान ना कर सकूं। चीची, मैंने तो इतनी खुशी हो रही कि रोने का मन कर रहा है। एक मिनट। जीजी, मने तो लागे दोनों की राम नाम सत्य होने की खबर आ गई है। मैं तो चाहूंगा कि सबसे पहले ये खबर में रसाल ले दूं, ताकि मैं उसके चेहरे से उड़ता हुआ उसका सपना देख सकूं। क्यों मामा साहब, क्यों? क्या बात है भणजे, थारी मासा तो रसाल के मुरझाए हुए चेहरे को देखना चाहती है। काई बात है, थारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है भांजे? पापा साहब का फोन आया तो किसी ने अस्पताल से उन्हें फोन करके बताया कि रणवीर और रुक्मी अस्पताल में। ये तो बहुत बढ़िया खबर है मामा साहब। अगर आपको पता चलेगा ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। काहे हो गए भांजे? चीचू साहब को पता लग गया कि कार का ब्रेक मैंने फेल किया था। अरे पारो कहीं होगा जीजी, पारो कहीं होगा। मामा साहब, रणवीर और रुक्मी अस्पताल में और खतरे से बाहर। इन दोनों की किस्मत हमेशा हमारे किए कराए पर पानी फेर देती है। पापा साहब ने हमारे को जिम्मेदारी दी है कि सोच समझ कर सबको एक्सीडेंट के बारे में बताओ। अब ये सब कैसे करूं? मैं क्या बोलूं? को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मारी तो बोलती बंद हो गई। रणबीर को पिता बनने का योग है और वे बहुत जल्द ही पिता बनने वाले हैं। तुम्हारी कोख में पल रहे इस पाप पाप से नफरत है मुझे, नफरत, नफरत। रुक्मी की ये पाप उतरवाई की रस्म संपन्न हुई। रुक्मी और उसका होने वाला बच्चा दोनों पाप से मुक्त हैं। बच्चा मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे पहचान नहीं पाया। अपने ही वारिस को मैं पाप कहकर धुतकारता रहा। उस नन्हे से मासूम की पाप उतराई की मैंने, और पापी तो मैं हूं, मैं हूं पापी। मैंने अपने हाथों से
अपने बच्चे का कत्ल कर दिया, हत्या की है मैंने, पापी हूं मैं, पापी हूं। अरे छोटे, संभाल अपने आप को, चल उठ उठ, आ जाओ बैठ बैठ। तू ठीक तो है ना भाड़े? छोटे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तू तो रुक्मी को छोड़ने गया था। अरे बोल ना छोटे, तू रो कह रहा है, बोल। बता दे भाणजे, दुख बांटने से हल्को हो जावे। छोटे देख मामा सा ठीक है, बोल दे क्या हो गया, बोल। मेरी वजह से उस बच्चे की जान चली गई भाई साहब। मैंने उस बच्चे को मार दिया भाई साहब, और इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। तो छोटे इसमें थारी की गलती है, तू अपना मन क्यों छोटा कर रहा है? उसके पेट में तो पाप था, और पाप का अंत ऐसे ही हो गए, तू अपना मन छोटा मत कर। खबरदार जो उस बच्चे को पाप कहा तो। दरअसल भाई साहब, वो बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, फिर कोई बच्चा पाप कैसे हो सकता है? हाँ छोटे, लेकिन वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तू का इतना परेशान हो रहा है? नहीं भाई साहब, कुछ भी हो पाप तो मुझसे हुआ है। मैंने एक इनोसेंट की जान ली है। रणवीर ने अचानक रंग क्यों बदल दियो? कहीं रुक्मी ने रणवीर को बच्चे की सच्चाई तो नहीं बता दी? जरा सोच मांझे, रणवीर तो रुक्मी से घनी नफरत करतो तो, या नफरत अचानक हमदर्दी में क्यों बदल गई? रणवीर की बातें सुनकर तो मुझे यकीन हो गया कि रुक्मी ने उसे सब कुछ बता दिया है। अब मरने अगला दाव खेलना ही होगा। अब क्या होएगा भांजे? कहीं बच्चे की सच्चाई बताकर सारो खेल तो नहीं बिगाड़ दियो? कुछ नहीं बिगड़ा मामू साहब, ये रुक्मी ने रणवीर को सच्चाई बता भी थी तब हमारे पास एक ऐसा पास है जिससे रणवीर की हमदर्दी नफरत में बदल जाएगी, और इतनी गनी नफरत जो रुक्मी को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तो भांजे शुभम शीघ्रम, समझो, लेट्स गो। मैं थारे मन की हालत समझ सकता हूं, तू अपने आप को कोस रहा होगा कि थारे वजह से उस रुक्मी की बच्चे की जान चली गई। तू अपने आप को पापी मान रहा है ना, कि तूने तूने कुछ पाप किया और तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा, यही सोच रहा है ना? थारे को उस रुक्मी से हमदर्दी हो रही है ना, क्योंकि तूने उसके साथ घना अन्याय किया, यही चल रहा है ना थारे दिमाग में? छोटे यही तो हो चाहे, उस रुक्मी ने थारे भोलेपन का फायदा उठाकर थारा इस्तेमाल किया है, और तू भी बहकाव में उसकी चाल में आ गया। अरे इतनी शराफत भी के काम की छोटे, के काम की छोटे, हाँ? वो चालाक रुक्मी अपनी झूठी कहानी सुनाकर सिर्फ थारे से काम निकालने वास्ते, और तू बावड़ा होकर अपने आप को दोषी मानकर,
अपना जान जला रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? जो भी कुछ हुआ वो थारे कारण हुआ है, यही कहना चाहता है ना तू? यही कहना चाहता है? छोटे थारे को क्या लग रहा है? उस रुक्मी के बच्चे की जान थारे कारण गई है, यही सोच कर तू गलती कर रहा है। छोटे मैंने पता करी है, एक्सीडेंट के बाद थारे को और रुक्मी को सिर्फ थोड़ी सी चोट आई थी, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। मतलब छोटे मैंने पता किया, बच्चा सही सलामत था छोटे, लेकिन सिर्फ अस्पताल आने तक। हाँ छोटे, अस्पताल आने के बाद रुक्मी और यश ने जानबूझकर उस बच्चे की जान ली, सिर्फ थारे को दोषी महसूस कराने वास्ते। भाई साहब, लेकिन ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? यकीन नहीं छोटे, सबूत है हमारे पास, यो है, देख ले खुद ही। यो देख छोटे, यो है बच्चे को मारने वास्ते कंसेंट लेटर, और इसमें देख नीचे, यस राठौड़ का सिग्नेचर्स भी है। छोटे, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि बच्चे की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, इसमें लिखा है कि रुक्मी और यश ने दोनों ने साथ मिलकर उस बच्चे को गिराया। उस कमीने यश की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की हत्या करने की? वो मेरा बच्चा था, मेरा खून। मैं यश को नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे। अरे छोटे, कट्ठे जा रहा तू भाई साहब? मुझे कट्ठे जा रहे यश राठौड़ के पास जा रहे? थारे को क्या लग रहा है? तू उसके पास जाएगा, उससे जवाब पूछेगा, थारे को सच सच बता देगा, अपना गुनाह कबूल कर लेगा? नहीं छोटे, वो यश राठौड़ बड़ा ही पाखंडी इंसान है, वो घुमा फिरा कर सारा दोष थारे सर पे डाल देगा। तू तो जाने है ना, उस यश और रुक्मी के बीच में रात लीला चल रही है, फिर भी उस यश ने उस रुक्मी को अपने साथ क्यों नहीं रखा? जरा सोच छोटे, उसे हवेली में रखा क्योंकि दोनों जानते थे कि बच्चे के नाम पर हवेली में जगह मिल जाएगी और सबसे हमदर्दी भी मिल जाएगी, और खासकर थारे से, और थारे से हमदर्दी मिलने के बाद थारे से फायदा उठावेंगे, और रुक्मी का फायदा यश का फायदा है। और देख, यही किया उन दोनों ने, उन दोनों ने अपने होश और आवाज में उस नन्हे सी बच्चे की जान लिए छूटे, सिर्फ थारे से बदला लेने वास्ते, ताकि उस बच्चे के मौत का दोष थारे सर पे डाल सके। यश राठौर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे बच्चे की जान ली है, खून किया तूने मेरे बच्चे का। होश में आओ रणवीर, अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो सच्चाई को स्वीकार करो, और सच्चाई ये है कि तुम्हारे बच्चे की जान मैंने नहीं, तुमने खुद ली है। अगर तुमने गुस्से में एक्सीडेंट ना किया होता तो आज रुक्मी का बच्चा, तुम्हारा बच्चा जिंदा होता। याश, याश, याश। अपना गुनाह मेरे साथ डालने की कोशिश मत करो। एक्सीडेंट के बाद भी मेरा बच्चा जिंदा था, लेकिन तुमने रुक्मी को अबॉर्शन करके उसकी जान ले ली। मैंने रुक्मी का अबॉर्शन नहीं किया, मुझे मजबूरन करना पड़ा रुक्मी की जान बचाने के लिए। अरे बच्चा तो पहले ही, अगर मैंने अबॉर्शन नहीं किया होता तो सारा जहर रुक्मी के शरीर में फैल जाता, और वो भी। झूठ बोल रहे हो तुम, कोई मजबूरी वजबूरी नहीं थी तुम्हारी, ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मुझसे बदला लेना चाहते थे। यश राठौर, आज तक मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करता रहा, लेकिन अब नहीं, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, आज तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे जिस बच्चे को तुम अपना बच्चा कह रहे हो, कुछ दिनों पहले तुम उसे नफरत करते थे, उसे पाप समझते थे। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं है तुमने क्या किया है।
आज तक तुमने रुक्मी के साथ जितने अत्याचार किए हैं, जितने तुमने उसे दुख दिए हैं, उसे याद करके ऐसा लग रहा है कि आज जो तुम्हें दुख हो रहा है ना, यू डिजर्व इट। चुप! तू जा आठे से, ये मारे और ठाकुर साहब के बीच का मामला है, तू इस पे ना पड़, तू जा आशु। मैं आशु की बदतमीजी वास्ते आपसे माफी मांगू ठाकुर साहब। ए, बंद करो ये नाटक। पाखंडी औरत, तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे, मुझे चोट पहचाने के लिए तुमने तुमने मेरे बच्चे को मरवा दिया, मेरे बच्चे को मरवा दिया, मेरे बच्चे को मरवा दिया। यश के साथ मिलकर तुमने मेरे वारिस का कत्ल किया है, खून किया है मेरे बच्चे का, और खुद इतनी चालाकी से साफ साफ निकल गए ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए और मैं जिंदगी भर अपने आप को दोषी मानकर खुद को कोसता रहूं, सोचता रहूं कि ये मैंने क्या किया है। कम से कम उस नन्हे मासूम को मारने से पहले ये तो सोचा होता कि मेरे साथ साथ वो तुम्हारा भी बच्चा है। अरे बड़े होके सबसे पहले वो तुम्हें ही मां कह के पुकारता, या ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मेरा खून था? अरे ममता की खातिर ना सही, अपने स्वार्थ की खातिर ही मुझे मेरा बच्चा दे देती। अरे जितने पैसे मांगती मैं तुम्हें दे देता, पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन उस बच्चे को संभाल के रखता, पाल पोस के बड़ा करता। क्यों नहीं बताया मुझे रुक्मी तुमने, क्यों आ रही है मुझे खुद से कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया, तुमसे। लेकिन सच तो ये है रुक्मी कि तुम प्यार के तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं हो। I hate you रुक्मी। और आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच तो ये है रुक्मी कि तुम प्यार के तो क्या, प्यार के तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं, के लायक भी नहीं, के लायक भी नहीं। आई हेट यू रुक्मी, आई हेट यू रुक्मी, आई हेट यू रुक्मी, आई हेट यू रुक्मी। और आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जो हुई वही शायद भगवान की मर्जी थी, अब उसे कोई ना बदल सके। बिंदड़ी संभाल अपने आप को, इस हालत में इतना रोना ठीक ना है। अरे होने वाले बच्चे को उसके लिए ठीक ना होवेगा।